यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सोमवार दोपहर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नियमित परीक्षण के लिए भर्ती कराया गया है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। एम्स में भर्ती होने के बाद 5 घंटे तक कोई नेता उनसे मिलने नहीं पहुंचा, लेकिन शाम को 6 बजे राहुल गांधी के पहुंचने के बाद वाजपेयी को देखने के लिए एम्स में तमाम नेता आने लगे और सूत्रों के मुताबिक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और किडनी संबंधित दिक्कतों के बाद वाजपेयी को भर्ती कराया गया है और रेस्पिरेटरी सिस्टम से उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ खराबी के चलते, कुछ दिक्कत के चलते, किडनी संबंधी दिक्कत के चलते उन्हें भर्ती कराया गया है। वहीं आईसीयू में वो भर्ती हैं, उनका डायलिसिस चल रहा है। वाजपेयी को दोपहर 1 बजे के करीब रूटीन जांच के लिए एम्स लाया गया। उसके बाद सबसे पहले शाम को करीब 6 बजे वाजपेयी को देखने के लिए राहुल गांधी एम्स पहुंच गए और राहुल के बाद पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं का एम्स में जमावड़ा लगने लगा। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, वाजपेयी से राहुल मिले हैं और वाजपेयी एम्स में भर्ती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित किसी बीमारी के चलते उन्हें भर्ती कराया गया है और वाजपेयी से मिलने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं और जमावड़ा वहां पर बड़े नेताओं का लगना शुरू हो गया था।